हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इम्पेटस एकेडमी। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एंटोनिम्स में आगे कुछ। देखिए, हम लोग जो पहले है वो बोर्ड पर पढ़ रहे थे, अब जो है थोड़ा हम सोचे कि एक डिजिटली तरह तरीके से जो है हम लोग पढ़ाई करते हैं ताकि आप लोग को और भी सुविधा हो। ठीक है, तो चलिए इसमें अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो, पहला दिन है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा मुझे, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको और अच्छा बेहतर जो है अपने तरफ से सर्विस दे पाएँ। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एंटोनिम्स यानी कि विपरीत शब्द। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपके पास होगा चार ऑप्शन। ठीक है, तो उन चारों ऑप्शंस में से एक कोई आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा पहला वर्ड जो है एंटोनिम्स का वो। ठीक है, देखिए पहला क्या है। पहला है आपका लायबिलिटी, LIABILITY, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एकदम साफ साफ। ठीक है, इसमें आपको पहचानना है आपका एंटोनिम्स। ठीक है, क्या पहचानना है? एंटोनिम्स यानी कि विपरीत शब्द। तो देखिए इसमें से आपका कौन सा विपरीत शब्द होगा। लायबिलिटी मतलब होता है दायित्व। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शंस हैं, नेशनल, नेग्लिजेंस, नेटिव और एलियन। तो लायबिलिटी मतलब होता है दायित्व उठाना, सतर्कता दिखाना। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है नेग्लिजेंस, ये लापरवाही। ठीक है, एक व्यक्ति है जो अपना दायित्व निभा रहा है और दूसरा व्यक्ति जो है वो लापरवाही दिखा रहा है, दायित्व नहीं उठा रहा है। ठीक है, तो लायबिलिटी मतलब हो गया दायित्व और नेग्लिजेंस मतलब हो गया आपका लापरवाही। ठीक है, तो ऑप्शन ए का क्वेश्चन फर्स्ट का जो है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्या है आपका पैरोचियल, PAROCHIAL। ठीक है, मतलब होता है आपका संकुचित, मतलब कि जो थोड़ा कंजर्वेटिव तरह के इंसान होते हैं। ठीक है, मतलब जो खुलकर अपने विचारों को व्यक्त नहीं करते हैं, संकुचित होते हैं। ठीक है, बंधे हुए होते हैं। तो पैरोचियल मतलब हो गया आपका संकुचित। और अब जो आपके पास चार ऑप्शन हैं उसमें से आपका राइट आंसर कौन है, देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये आपका ऑप्शन डी जो है ब्रॉड माइंडेड, मतलब कि खुले विचारों वाला आपका राइट आंसर है। ठीक है, जबकि और जो आपके तीन ऑप्शन हैं उनका हिंदी भी दिया हुआ है, तो आप हर एक वर्ड को ध्यान देते रहिएगा और इन्हें याद भी करते जाइएगा, क्योंकि जो है हर यहाँ पर ऐसा ही ऑप्शन दिया हुआ है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो किसी भी एक वर्ड को भी मिस आप मत करिएगा, आप हर एक वर्ड को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, हर एक वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्या है ब्लीक, ब्लीक मतलब होता है निराशाजनक। ठीक है, क्या होता है ब्लीक मतलब निराशाजनक, जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिए तो आपके पास चार ऑप्शन हैं, तो एक व्यक्ति है जो निराश मतलब है, और दूसरा जो है व्यक्ति वो खुशी में है। ठीक है, एक व्यक्ति मतलब उदास है, निराश है, और दूसरा व्यक्ति जो है खुशी है। तो ब्लिक का एंटोनिम्स यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो ब्लिक का जो एंटोनिम क्या हो जाएगा, देखिए हमारा ऑप्शन सी जो है चीयरफुल हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, ब्लिक मतलब होता है निराशाजनक और चीयरफुल मतलब आपका होता है खुशी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए देखते हैं आगे। परसिक्यूट, परसिक्यूट मतलब होता है किसी को सताना। ठीक है, परसिक्यूट मतलब कि सताना। और आपको ये कैसा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा डिजिटली वे में पढ़ाई करना, जरूर कमेंट करिएगा, ताकि अगर ये अच्छा ना लगे तो हम पहले वाले जो बोर्ड पर बताते हैं वैसा ही बताएंगे। ठीक है, तो आप जरूर कमेंट करिएगा कि कौन सा आपको अच्छा लग रहा है और कौन सा जो है आपके लिए कम्फर्टेबल है। ठीक है, चलिए देखते हैं। परसिक्यूट मतलब होता है सताना, किसी को आप दुख दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, आप सता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन हैं। देखिए ऑप्शन जो है आपके पास चार हैं परसिक्यूट का। पहला है स्मार्ट, दूसरा है रिलीफ, तीसरा है फास्ट और चौथा है फिरोसियस मतलब कि क्रूर। ठीक है, तो एक एक जो है आप किसी को सता रहे हैं, परसिक्यूट मतलब होता है सताना, और एक जो है किसी को आप आराम दे रहे हैं यानी कि खुशी दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आपका डी राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अनएनिमिटी, UNANIMITY, अनएनिमिटी मतलब होता है सहमति, मतलब कि सभी लोगों का वहाँ पे सहमति होता है। ठीक है, अब इस एक जो जहाँ पर सभी लोगों का सहमति हो वहाँ पे अब इसका अपोजिट अगर आपको ढूंढना है, एंटोनिम ढूंढना है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सहमत होना का असहमत होना। ठीक है, सहमत होना का एंटो क्या हो जाएगा आपका, असहमत होना। तो देखिए आपको ऑप्शन सी जो है आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे, डिसअग्री, अनएनिमिटी मतलब कि सहमति और डिसअग्री मतलब कि असहमति। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, और बाकी जो तीन ऑप्शन हैं, रिफ्यूज मतलब कि आप किसी को मना कर देते हैं किसी काम को करने से, केओस मतलब हो गया अव्यवस्थित, ठीक है, और ऑप्शन डी जो है डिनाई मतलब कि आप किसी काम को करने से इनकार कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके चार ऑप्शंस हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही था, देखिए आगे। बैथोस, बैथोस मतलब होता है अवनति मतलब कि डाउनफॉल, मतलब कि आपका जो है अवनति हो रहा है, उन्नति नहीं हो रहा है, अवनति हो रहा है यानी कि नीचे की ओर, ठीक है। तो देखिए आपका ऑप्शन ए है क्लाइमेक्स मतलब कि चरमोत्कर्ष, ऑप्शन बी क्या है वीकेंड मतलब कि कमजोर कर देना, तीसरा क्या है क्लेमर मतलब कि शोरगुल, और चौथा ऑप्शन है आपका डिप्रेस यानी कि उदास करना, ठीक है। तो एक एक तरफ आपका अवनति हो रहा है यानी कि आप डाउन नीचे की ओर जा रहे हैं, और एक तरफ आपका चरमोत्कर्ष पे पहुंच रहे हैं यानी कि शिखर पर पहुंच रहे हैं यानी कि ऊपर पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर है, ठीक है। बैथोस मतलब हो गया आपका अवनति, और क्लाइमेक्स मतलब हो गया चरमोत्कर्ष यानी कि शिखर पे पहुंचना। चलिए आगे देखते हैं। इम्प्रॉम्प्टू, IMPROMPTUE, इम्प्रॉम्प्टू मतलब होता है बिना तैयारी का, मतलब कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं वो बिना तैयारी का कर रहे हैं, ठीक है, बिना तैयारी के कोई आप स्पीच दे रहे हैं, ठीक है, बिना तैयारी के आप जो है मतलब कुछ भी कर रहे हैं, तो वो उसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, एक तो हो गया कोई काम आपका बिना तैयारी, और एक हो गया कि आप तैयार होकर किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर है, इम्प्रॉम्प्टू मतलब होता है बिना तैयारी के, और प्रिपेयर्ड मतलब होता है तैयार होकर, ठीक है। बाकी जो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए में है मैग्नानिमस मतलब हो गया उदार, ठीक है, लेनियंट मतलब हो गया उदार, देखिए यहाँ पे दोनों एक दूसरे के साइनोनिम सिनोनिम्स हैं, ठीक है, मैग्नानिमस मतलब भी उदार होता है और लेनियंट मतलब भी उदार होता है। तो इन वर्ड्स को आप याद रखते जाइएगा, और जितना हो सके आप लोग रिविजन करते जाइए। अगर आपको इनका पीडीएफ भी चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो टेलीग्राम चैनल जो हमारा है द इम्पेटस एकेडमी, आप वहाँ पे हमें ज्वाइन करें, द हिंदू का वर्ड मीनिंग आपको डेली मिल रहा है वहाँ पे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपको जीएस का मिसलेनियस क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल रहा है। तो जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो अंत तक देखें, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें, और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें क्योंकि वहाँ पे आपको जो है सारा चीज़ का पीडीएफ अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन सी जो है आप देख चुके हैं यहाँ पे कि सी जो है हमारा राइट आंसर है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए ट्रांसिएंट मतलब होता है अस्थाई, TRANSIENT, ठीक है, मतलब होता है अस्थाई। देखिए अब कोई जो है अस्थाई है, ठीक है, और मतलब कि क्षणिक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे जो है चार ऑप्शंस हैं, ठीक है, चार ऑप्शंस में कौन सा हमारा राइट आंसर है ये हमें देखना है। तो देखिए पहला क्या है, इमानेंट मतलब होता है अंतर्निहित, मतलब कि आपके अंतरात्मा में जो बात निहित है वो हो गया आपका इमानेंट। दूसरा हो गया फेवर यानी कि कृपा करना, किसी पे अपना मतलब अपना पसंद दिखाना, उसके फेवर में, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आप उसके फेवर में बोल रहे हैं, मतलब कि आप अपना चाह प्रकट कर रहे हैं, अपना पसंद प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। तो फेवर मतलब हो गया कृपा करना। रिड्रेस मतलब कि समाधान करना किसी चीज़ का। एक्सेप्ट मतलब हो गया स्वीकार करना। तो देखिए यहाँ पर जो आपका चारों ऑप्शंस है उसमें इसमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है परमानेंट जो हम लोग है वो याद कर सकते हैं, ठीक है, PERMANENT, ठीक है, परमानेंट, PERMANENT, ठीक है, PERMANENT, ठीक है। तो परमानेंट आपका हो गया मतलब कि अस्थाई, ट्रांसिएंट मतलब हो गया अस्थाई, और परमानेंट हो गया आपका अस्थाई, ठीक है। तो इन जो चार वर्ड्स हैं इन इनको भी आप याद कर लीजिएगा, इग्नोर नहीं करिएगा। चलिए देखते हैं आगे। कोडल, कोडल मतलब होता है किसी को लाड प्यार से पालना, ठीक है, आप किसी को बहुत ही बेहद लाड तरीके से लाड प्यार कर रहे हैं, उसे पाल रहे हैं, ठीक है। तो किसी को होता है कि आप लाड प्यार कर रहे हैं, और किसी से होता है कि आप नफरत कर रहे हैं। एक तो हो गया आप किसी से प्यार कर रहे हैं, और दूसरा हो गया नफरत कर रहे हैं। तो इसका एंटोनिम्स तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ पे क्लियर आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे डी जो है हमारा राइट आंसर हो गया। कॉडल मतलब लाड प्यार से पालना, किसी को प्यार करना बहुत ज़्यादा, और एवोमिनेट मतलब हो गया आपका नफरत करना, क्या हो गया, एवोमिनेट मतलब नफरत करना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, और ये जो तीन और ऑप्शन हैं इनको भी आप याद कर लें।
मोरलिस्ट मतलब कि नीति शास्त्र, उपदेशक थिंकर आप लोग सभी जानते हैं, विचारक, स्कीमा मतलब कि उपाय रचने वाला, षड्यंत्र रचने वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्लिथर, स्लिथर मतलब हो गया कि लड़खड़ा कर फिसल जाना, SLITHER। स्लिथर मतलब हो गया कि आप चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, ठीक है, और लड़खड़ाते लड़खड़ाते आप फिसल गए, गिर गए। ठीक है, तो एक तरफ हो गया कि आप कहीं पर लड़खड़ा रहे हैं, फिसल रहे हैं, और एक तरफ हो गया कि आप ऊपर की ओर ही चढ़ रहे हैं। ठीक है, एक तरफ हो गया कि आप लड़खड़ा कर फिसल गए, गिर गए, और एक तरफ है कि आप चढ़ रहे हैं कहीं ऊंचाई पे, यानी कि ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, स्लिथर मतलब कि लड़खड़ा कर गिरना, ठीक है, असेंड मतलब हो गया हमारा चढ़ना, तो एक तरफ है आप गिर रहे हैं और एक तरफ है कि आप चढ़ रहे हैं, तो हमारा एंड तो क्या हो गया, असेंड, ASCEND, असेंड मतलब हो गया चढ़ना या फिर आगे बढ़ना। ठीक है, तो आगे बढ़ना चढ़ना, और बाकी जो और तीन ऑप्शन हैं, एक्स एस्पिरेशन मतलब हो गया क्रोध, मैग्निफिकेशन यानी कि इजाफा, इंटेंसिफिकेशन मतलब कि किसी चीज़ में तीव्रता जो कि आपको अभी लाना चाहिए, आपके एग्जाम्स में जो है लगभग 60 डेज हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ जो है अपने तैयारी में एकदम तीव्रता लाइए, इंटेंसिफिकेशन लाइए, क्योंकि आप अच्छे से जब तक आपका तीव्रता नहीं आएगा तो अभी आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना बेहतर है, इसलिए आप अपने तैयारी में तीव्रता लाइए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, और PDF जिनको चाहिए वो प्लीज़ जरूर कमेंट करें। तो द टेलीग्राम द इम्पेटस एकेडमी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे इसे भी PDF फॉर्म में अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन और जो भी देख रहे हैं पहली बार वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर कर दें, ताकि और जो लोग हैं हमारे साथ जुड़ें, सीखें हमारे साथ। ठीक है, मिलते हैं कल के क्लासेस में, थैंक यू।